आज मैं लेके आई हूँ सर्दी स्पेशल लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम खर्चे में बन जाते हैं और एकदम बजट फ्रेंडली रेसिपी है। इन लड्डू में मैंने गोंद या ज़्यादा महंगे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही सस्ते और आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स का यूज़ मैंने यहाँ पे किया है। बहुत ही कम खर्चे में लड्डू बन जाते हैं, फिर भी ये बहुत गुणकारी और फ़ायदेमंद है, खासकर लेडीज़ के लिए। सुबह खाली पेट या शाम में दो लड्डू खा लीजिए, दिन भर बॉडी में एनर्जी कायम रहेगी। साथ में लड्डू प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, जो कि इस ठंडी के सीज़न में लेडीज़ के बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस खास लड्डू की रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखें, आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करने रखी है और उसमें मैंने 250 ग्राम सेंगदाने लिए हैं। मैं यहाँ पे 1 kg के लड्डू बनाने के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। आपको जितना लड्डू बनाना है उसके हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंगदाने अच्छे से भुने और अंदर तक भुने और उसका बिल्कुल सेंगदाने का एक एक छिलका आसानी से और बहुत ही जल्दी निकल जाए, तो आपको इसे एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनना है। सिंगदाना भूनते समय अक्सर हम लोग जल्दी जल्दी भूनने के चक्कर में गैस फ्लेम हाई कर देते हैं और भूनने लगते हैं। ऊपर से सिंगदाना भुना हुआ और लाल दिखता है, बट अंदर से कच्चा रह जाता है, और जब ठंडा करने के बाद हम इससे छिलका निकालने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी से निकलता नहीं है, हाथों में जलन होने लगती है। बट अगर आप इन्हें एकदम स्लो टू मीडियम गैस पर भूनते हैं तो इसका छिलका आसानी से और फटाफट निकल जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट आगे की प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाती है। 10 से 12 मिनट बाद यहाँ पे सिंगदाना अच्छे से भून गया है, तो अभी गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 10 से 12 मिनट यहाँ पे हो गए हैं, सिंगदाने हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। एकदम ज़्यादा भी इन्हें ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रहे तभी इनके छिलके निकालना हमें स्टार्ट कर देना है। अभी मैं यहाँ पे कुछ सिंगदाने के छिलके आपको निकाल के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ हल्का सा उंगलियों से दबाया है, फिर भी छिलका एकदम आसानी से और फटाफट निकल रहा है, और सारे सिंगदानों का छिलका ऐसे ही निकल के आएगा। अगर आप स्लो फ्लेम पे भूनते हैं तो इसी तरह से बिल्कुल एकदम फटाफट आपके सिंगदाने छिलके हो जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। आप देख सकते हैं कितने फटाफट यहाँ पे सिंगदाने छिलके हो गए। इसी तरह से मैंने सिर्फ हाथों से ही सारे सिंगदानों का छिलके निकाल के रेडी कर लिए है। तो अभी यहाँ पे हमारे सिंगदाने यूज़ करने के लिए रेडी है। ये जो लड्डू मैं बना रही हूँ इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है ये रागी, यानी कि फिंगर मिलेट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं और मराठी में इसे हम लोग नाचनी कहते हैं। ये ज़्यादा महंगी नहीं होती, इसे मैंने 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से लिया है, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली और कम दाम है। इस रागी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है, इसे ज़्यादातर साउथ इंडिया और महाराष्ट्र रीजन में डाइट में यूज़ किया जाता है। इसकी रोटी या भाकरी भी बनाते हैं, जो डायबिटिक फ्रेंडली है। इसे वंडर ग्रेन भी कहा जाता है, जो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। छोटे बच्चों को आप इसके आटे की खीर या पेज बना के दे सकते हैं, जो बेबी बोन्स को मजबूती देती है। ये डाइजेशन में हेल्प करती है और हाई कैल्शियम एंड आयरन से भरपूर है। इसके फायदे जितने गिनाए जाए उतने कम हैं, तो इसे डाइट में यूज़ करना तो बनता ही है। अगर आप इसका यूज़ सर्दियों में करेंगे तो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सिंगदाना हमारा ऑलरेडी भून के रेडी है। अभी हमें यहाँ पर थोड़ी सी मेथी लेनी है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मेथी ली है। आप चाहे तो मेथी का ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं लड्डू में, जैसे हम लोग मेथी के लड्डू बनाते हैं सेपरेटली। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच मेथी ली है क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेस्ट और फ्लेवर चाहिए था। अगर आपको लगता है कि मेथी ज़्यादा यूज़ करना है तो आप हाफ हाफ क्वान्टिटी में ले सकते हैं, यानी कि हाफ क्वान्टिटी में मेथी और हाफ क्वान्टिटी में रागी। मेथी का टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए हमें इसे अच्छे से भुनना पड़ता है। मेथी को अगर आप अच्छे से भुनेंगे नहीं तो इसका टेस्ट ज़्यादा कड़वा लगता है, और अच्छे से भुन गई तो इसका टेस्ट थोड़ा सा कम कड़वा लगता है। आप देख सकते हैं मेथी हमारी यहाँ पे चटकने लगी है, उसका कलर भी चेंज हो गया है, मतलब मेथी अच्छे से भुन गई है। अभी हमें यहाँ पर रागी डाल देना है। मैंने यहाँ पर 1/2 kg रागी लिया है। इसके पहले मैंने 250 ग्राम सिंगदाने भुने थे, तो ये पूरा मिला के सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के 1 kg तक सब मटेरियल तैयार हो जाएगा और हमारे 1 kg के लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। अभी स्लो फ्लेम पे इस रागी को हमें 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। आप चाहे तो मार्केट में इसका रेडीमेड आटा मिलता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरह से घर में रागी भून के अगर उसका आटा बनाते हैं तो ज़्यादा दानेदार बनता है और लड्डू में उसका टेक्स्चर अच्छा आता है। इसे हमें अच्छे से 15 से 20 मिनट लो टू मीडियम गैस पर भूनना है, जब तक इसकी खुशबू आने ना लगे तब तक इसे हमें अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे इसके अच्छे से खुशबू आने लगी है भुनने की, मतलब रागी हमारे यहाँ पे भून के तैयार है। गैस फ्लेम बंद कर देना है और इसे अच्छे से ठंडा करने रख देना है। 10 से 12 मिनट मैंने यहाँ पे रागी को अच्छे से ठंडा करने रखा था, तो यहाँ पे रागी अच्छे से ठंडी हो गई है। एकदम ठंडा भी नहीं करना है, हाथों से इसे टच करके देखेंगे तो ये हल्के से गर्म लगनी चाहिए।
अगर इसे हम लोग ज़्यादा गर्म पीसेंगे तो ये मिक्सर जार में चिपकने लगेगी और इसका पाउडर अच्छे से बनेगा नहीं। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रागी मिक्सर जार में ली है, इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पीसना है, एकदम से पीसेंगे तो ये अच्छे से पीसेगी नहीं। अभी इसे हमें थोड़े से दानेदार टेक्सचर में पीसना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका। जैसे सूजी का दानेदार टेक्सचर होता है उसकी तरह ही हमें इसे पीस लेना है और ऐसे दानेदार टेक्सचर ही इस लड्डू में अच्छा लगता है और खाने में चिपचिपा नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा करके सारे रागी को मैंने यहाँ पे पीस के अलग से मिक्सिंग बाउल में निकाल के रख लिया है। तो यहाँ पे रागी का आटा हमारा तैयार है। अभी सेम मिक्सर जार में जो भुना हुआ सिंगदाना हम लोगों ने साइड में रखा था उसे लेना है। अभी इसमें मैं फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची और जायफल ले रही हूँ, जायफल यानी नटमेग मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जिसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है और इससे हमारे लड्डू में थोड़ा सा टेस्ट और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। इसे भी हमें सेम बिल्कुल रागी के जैसे दानेदार पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। थोड़ा सा दानेदार रहेगा तो लड्डू में उसका टेक्सचर भी अच्छा लगता है और खाने भी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से पीस के सिंगदाना तैयार कर लिया है। महंगे काजू और बादाम के कंपैरिजन में सिंगदाना बहुत सस्ता होता है, तो आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रोटीन और फाइबर से रिच तो ये है ही, जैसे कि काजू बादाम होते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिंगदाने का पाउडर भी तैयार है। अभी इसे हमें इस रागी के आटे में मिलाकर अलग से साइड में रख देना है। अभी तक मैंने यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो एकदम बजट फ्रेंडली और सस्ते हैं, तो आप इन इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे लड्डू की चाशनी तैयार कर लेनी है। अभी मैंने यहाँ पे साइड में कढ़ाई गरम करने रखी है। कढ़ाई गरम होते ही यहाँ पे हमें घी डाल देना है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले 125 ml घी लिया है। जैसे जैसे हमें घी लगता जाएगा हम लोग बाद में ऐड करते जाएंगे। घी मेरा पहले से पिघला हुआ था तो इसे गरम करने में टाइम नहीं लगेगा। अभी 2 मिनट के लिए हमें घी को थोड़ा सा गरम कर लेना है। बाद में यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ गुड़ डाल देना है। आप चाहे तो गुड़ की जगह खजूर भी यूज़ कर सकते हैं। खजूर भी डायबिटिक फ्रेंडली और हेल्दी है। मार्केट में आसानी से और सस्ते दाम में लड्डू बनाने वाले खजूर मिल जाते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप हाफ हाफ क्वांटिटी में दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। एकदम स्लो गैस पर हमें यहाँ पर गुड़ को पिघला लेना है, ज़्यादा गैस फ्लेम हाई नहीं रखना है। अब देख सकते हैं गुड़ हमारा अच्छे से पिघल रहा है। वैसे अभी सर्दियों में गुड़ का खाना बहुत ही फायदेमंद होता है बॉडी के लिए, क्योंकि ये गर्माहट देता है। सर्दियों में गुड़ की चाय बना के पिए या भुने हुए सिंगदाने या चने के साथ खाए गुड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बॉडी के लिए तो हेल्दी है ही ये। 7 से 8 मिनट लो टू मीडियम गैस में मैंने इस गुड़ की चाशनी को पका लिया है। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा ऊपर फ्लोट करने लगा है और इसमें बबल भी आने लगे हैं। तो अभी गैस फ्लेम हमें एकदम स्लो कर लेना है। मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसमें काजू और बादाम बारीक चॉप करके लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास थे तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अभी मैंने यहाँ पे थोड़े से किशमिश यानी मनुके लिए हैं, मेरे पास थे तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट सर्दियों के सीज़न में इन्हें खाना बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मेरे पास 2 टाइप के किशमिश थे इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। आपके पास जैसे भी किशमिश है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्लैक वाले भी किशमिश यूज़ कर सकते हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमें 2 मिनट के लिए सिर्फ चाशनी में थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। गैस फ्लेम एकदम स्लो ही रखना है। चाशनी हमारे यहाँ पे रेडी है। अभी ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, इतनी पतली ही चाशनी हमें चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे रागी का आटा यूज़ किया है तो आटे को ज़्यादा चाशनी लगती है। अब इस तैयार किए हुए रागी के आटे को हमें चाशनी में थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाना है। अगर हमें लगेगा कि चाशनी कम पड़ रही है और आटा ज़्यादा है तो हम लोग आटा बचा के रख सकते हैं और बाद में कभी इसका यूज़ करके लड्डू बना सकते हैं। तो पहले हमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल के मिक्स करते जाना है। एकदम से आटा डालेंगे और चाशनी कम पड़ जाएगी तो हमारा आटा ड्राई होगा और लड्डू बनाने में प्रॉब्लम होगी। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। घी भी हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाना है। जैसे आपको लगेगा कि घी कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा लड्डू का आटा तैयार है। अभी गैस फ्लेम हमें बंद कर देना है और इसे अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मिक्सर से मैं लड्डू का शेप अच्छे से बना पा रही हूँ, मतलब मिक्सर हमारा अच्छे से तैयार है। इस लड्डू के मिक्सर को हमें एकदम ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है। हाथों से हम लोग टच कर पाए इतना ही गर्म इसे रख लेना है और थोड़ा सा आटा ले कर लड्डू बना के देखना है। लड्डू को शेप देते समय हाथों में तेल या घी लगाए पानी का यूज़ ना करें। आपको जितने छोटे या बड़े साइज़ में लड्डू बनाना है उसके हिसाब से आप मिक्सर लेके लड्डू बना सकते हैं। हाथों से अच्छे से दबा दबा कर हमें सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू हमारा कितना परफेक्ट तरीके से बन के तैयार है। एकदम दानेदार लड्डू बना है। दिखने में जितना ये सुंदर और टेस्टी लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है और कई गुना ज़्यादा हेल्दी है। इसी तरह मैंने फटाफट से सारे लड्डू बना के यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। बहुत बार लड्डू बनाते समय बाकी का मिक्सचर ड्राई होने लगता है और फिर उसका शेप अच्छे से बन नहीं पाता है, तो स्लो गैस पे हमें बाकी का मिक्सचर गर्म कर लेना है और फिर उसके लड्डू बनाने हैं, तो आसानी से लड्डू बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रोटीन रिच रागी के लड्डू बनके तैयार है। आप इन लड्डुओं को 2 से 3 महीना आराम से एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। एक लड्डू मैं यहाँ पे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितने आसानी से लड्डू यहाँ पे टूट रहा है। अंदर से बिल्कुल एकदम खस्ता और सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चाशनी को अगर आप थोड़ा सा पतला रखेंगे तो लड्डू आपके खस्ता और सॉफ्ट बनेंगे। अगर चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी बन गई तो लड्डू ज़्यादा सख्त बनते हैं। इस तरह से सॉफ्ट और खस्ता लड्डू बनेंगे तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी इसे आसानी से खा सकते हैं, उनको दांतों का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो आप भी इन सर्दियों में इन किफ़ायती और बजट फ्रेंडली लड्डू को ज़रूर बनाइए, बहुत ही गुणकारी और हेल्दी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बाजू में दिया गया बेल बटन प्रेस करें, उससे आने वाले नई वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से हमारे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल।